प्रथम 10 कन्याएं धर्म को ब्याही, पिछले जन्म में भी 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं धर्म से ब्याही थी, इस जन्म में भी 60 कन्याओं में से 10 कन्याएं धर्म को ब्याही। पिछले जन्म की धर्म की 13 पत्नियों का नाम आप सुन चुके हैं और अब इस जन्म की जो 10 पत्नियां धर्म की हुई, इनकी 10 बेटियां, उनके नाम है भानु लंबा ककुब जामी विश्वासाध्या मरुत्पति वसु मुहूर्ता संकल्पा। भानु के पुत्र देव ऋषभ उनके इंद्रसेन, लंबा के पुत्र विद्योत उनके मेघगण, ककुब के संकट उनके कीकट, कीकट के पुत्र हुए दुर्गों के अभिमानी देवता, जामी के स्वर्ग उनके नंदी, विश्वास से विश्वदेव नाम के देवता लोग हुए और साध्या से साध्यगण हुए, मरुत्पति से मरुत्वान और जयंत, बसु के 8 पुत्र हुए द्रोण प्राण ध्रुव अर्क अग्नि दोष बसु और विभावसु। इनमें द्रोण नाम के जो वसु हैं, इनकी पत्नी का नाम है धरा। इन दोनों ने तप करके भगवान की बाल लीला का सुख प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया था, यही अगले जन्म में नंद बाबा और यशोदा के रूप में प्रकट हुए। ये चर्चा दशम स्कंध पूर्वार्ध में है। द्रोणो वसु नाम प्रवरो धरया सभार्या करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तम वाच, ये दशम स्कंध में संकेत है। दक्ष प्रजापति की 60 में से 27 कन्याएं चंद्रमा से ब्याही गई। चंद्रमा का एकांगी प्रेम एक पत्नी रोहिणी के साथ हो गया और 26 पत्नियों ने अपने पिता दक्ष से जाकर शिकायत की कि हमें बेकार उनके गले मर दिए, उनका तो एकांगी प्रेम केवल रोहिणी के प्रति है। दक्ष ने रुष्ट होकर शाप दे दिया कि चंद्रमा को यक्ष्मा का रोग ग्रस लेगा। चंद्रमा को यक्ष्मा का रोग हो गया, जिसको आजकल टीबी बोलते हैं। चंद्रमा की कला क्षीण होने लग गई। अंत में इन्होंने अत्यंत क्षीणतम जब कला रह गई तो इन्होंने शंकर भगवान का आश्रय किया। शंकर भगवान ने इनको मस्तक पर धारण कर लिया। तभी से द्वितीया के चंद्रमा को सब लोग वंदना करने लग गए। हिंदू हो चाहे मुसलमान, दूज के चंद्रमा का आदर करते हैं। मुसलमानों का जो भी भाव हो, अपने हिंदू भाइयों का भाव तो यही है कि द्वितीया के चंद्रमा भगवान शंकर के ललाट पर विराजते हैं। आज हम चंद्रमा का दर्शन करेंगे तो उनकी पृष्ठभूमि में चंद्रशेखर भगवान भोलेनाथ के दर्शन का भाव बनेगा। श्री दक्ष प्रजापति ने अपनी 60 कन्याओं में से 4 कन्याएं तारक्षी नामधारी कश्यप जी को दी, जिनके नाम है कद्रु विनता पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का, यामिनी से शलभों का जन्म हुआ। विनता के 2 पुत्र हुए अरुण और गरुड़, और गरुड़ जी तो विरक्त रूप में अब भी प्रभु की सेवा में वाहन के रूप में सेवा करते हैं, और अरुण जी के 2 पुत्र हुए संपाति और जटायु। संपाति जी और जटायु जी गरुड़ जी के भैया के बेटे हैं, भतीजे हैं। संपाति जी, जटायु जी, गरुड़, इनके गरुड़ जी चाचा लगते हैं। बोलिए चाचा भतीजा की जय। ये दोनों चाचा भतीजा भगवान की सेवा में लगाकर अपने जीवन को धन्य बना लिए। कथा आपको मालूम है। इनके अतिरिक्त कद्रु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़े श्री शेष जी हैं। ये तो भगवान की सेवा में इनके अभिन्न स्वरूप रहते हैं शेषैया के रूप में, और उनसे जो छोटे नाग लोग थे उनमें शेष जी से छोटे वासुकी जी नागों के राजा कहलाए। अभी भी पाताल में ये बड़े साहसी भोगी और काम रूप होते हैं, जैसा चाहे रूप धर लेते हैं। इन 4 के अतिरिक्त कश्यप जी की और भी 13 पत्नियां हैं, जिनके नाम है अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि। तिमि के पुत्र हुए जलचर जंतु।
शर्मा से बाघ इत्यादि हिंसक जीव हुए, सुरभि के गाय भैंस इत्यादि दो खुर वाले पशु हुए, ताम्रा से बाज गिद्ध इत्यादि शिकारी पक्षी, मुनि से अप्सराएं, क्रोध वशा से सांप बिच्छू इत्यादि विषैले जंतु, इला देवी से वृक्ष लताएं इत्यादि, और सुरसा से यात धान, अरिष्टा से गंधर्व, काष्ठा से घोड़े गधे खच्चर इत्यादि एक खुर वाले पशु, दनु नाम की पत्नी से कश्यप जी के 61 पुत्र हुए, ये दानव कहलाए, दनु के पुत्र होने के कारण दानव कहलाए। इनमें से कुछ के नाम दिए गए हैं, द्विमूर्धा, शंबर, अरिष्ट है, ग्रीव, विभावसु, पुलोमा, वृषपर्वा इत्यादि। वृषपर्वा दानवों के राजा कहे जाते हैं, जिनकी बेटी शर्मिष्ठा श्री ययाति जी की पत्नी बनी थी, जिनसे यदु और श्री हरण में तुर्वसु, यदु और तुर्वसु तो देवयानी से हुए थे, और द्रोयु, अनु और पुरु ये शर्मिष्ठा से हुए। श्री हरे नमः। अब आगे वर्णन करते हैं, दिति से तो आप लोग सुन ही चुके हैं, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष इत्यादि दैत्य, उनकी फिर वंश परंपरा। अदिति के 12 पुत्र हुए, विवस्वान, अर्जमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम अर्थात वामन भगवान, ये 12 आदित्य कहलाए, सूर्य नारायण 12 भैया हैं। अब आगे के अध्याय में वर्णन करते हैं, एक बार देवराज इंद्र ने सभासदों के बहकावे में आकर के अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया था। सभासदों ने बहकाया, देवता लोग आदरणीय है, पृथ्वी पर के मानवों के लिए देवता आदरणीय है, और आप देवता ही नहीं, आप तो देवराज हैं। ये बृहस्पति के आने पर आप उठ के खड़े क्यों हो जाते हैं, हाथ क्यों जोड़ते हैं, सिर क्यों झुकाते हैं, इससे आपके इस ऊंचे पद वाली गद्दी कुर्सी की तोहिनी होती है। इंद्र समझदारी से काम लेते तो कहते कि मैंने उन्हें आचार्य रूप में वर्ण कर रखा है, इसलिए आचार्य का, गुरु का आवंदन करना अपना कर्तव्य होता है। सो नहीं करके ये सभासदों के बहकावे में आ गए कि यदि मेरे उठ के खड़े होने से, हाथ जोड़ने से और सिर झुकाने से इस कुर्सी की तोहिनी होती है, तो आज से हम नहीं उठेंगे, न हाथ जोड़ेंगे, न सिर झुकाएंगे। देव गुरु बृहस्पति पधारे तो इंद्र न उठ के खड़े हुए, न हाथ जोड़े, न सिर झुकाए। समझ गए देव गुरु बृहस्पति कि इसे अपने इंद्र पद का मद हो गया। तो संत समाज में कई मनोवृत्ति के संत होते हैं। कबीर जी कहते हैं, कोई लठधारी, कोई मठधारी, कोई जटधारी, कोई तपधारी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, खोपड़ी खोपड़ी मत न्यारी। कोई ऐसे भी होते हैं कि सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत में। कोई करे स्तुति, कोई करे निंदा, कहे कबीर हम तिंदक तिंदा, कोई फर्क नहीं। और कोई ऐसे मनस्वी भी होते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेह। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सम्मान पूर्वक विष भी दोगे तो हम लेने को तैयार है, और अपमान पूर्वक अमृत भी दोगे तो तेरे अमृत पर ठोकर। बृहस्पति जी उल्टे पांव लौट गए, देवता लोग श्रीहीन हो गए। क्यों? कृष्ण रुष्ट होले गुरु राखी बारे परे, किंतु गुरु रुष्ट होले कृष्ण राखी बारे नारे। राखे गुरु यदि कोप विधाता, किंतु गुरु विरोध नहीं को जगत्राता। दैत्यों को पता चला, खदेड़ खदेड़ कर असुरों को, इन देवताओं को मारना प्रारंभ किया। देवता लोग घबरा करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने डांटा, और बढ़ाओ अपनी कुर्सी की शान शौकत। अरे भूल हो गई, भूल हो गई तो जाओ गुरु जी को संतुष्ट करो, क्षमा याचना करो, और जब तक गुरु जी आवे तब तक के लिए
त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को आचार्य रूप में वर्ण करके अपना कर्मकांड कराओ। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को जब देवताओं ने आग्रह किया कि हमारा पौरोहित्य संभाल दें, वो साफ इनकार कर गए। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृत कर निंदा। फिर देवताओं ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, आप में योग्यता है, दान दक्षिणा के लोभ से भले न करिए, लेकिन हम लोगों को सहारा हो जाएगा, जब तक गुरु जी नहीं आते हैं तब तक तो संभाल लीजिए। बोले ऐसी बात है तो संभाल दूंगा। विश्वरूप ने स्वीकार कर लिया आचार्यत्व और उनके पास एक नारायण कवच नाम की विद्या थी, जो बड़ी प्रभावशालिनी विद्या है। जिसके पास यह नारायण कवच नाम की विद्या रहती है, जो इनका आदर करते हैं, उनकी हड्डी तक में भी प्रभाव रहता है। इस पर एक घटना बताई गई है। कौशिक नाम के एक ब्राह्मण, जो इस नारायण कवच विद्या को जानने वाले, उन्होंने अपनी इच्छा से योग धारणा के द्वारा अपना शरीर त्यागा था, उनकी हड्डी रह गई थी, तो उस अस्थि के ऊपर से चित्ररथ नाम के गंधर्वराज का विमान जा रहा था, सो उस अस्थि का अतिक्रमण करते हुए जाने के कारण विमान की गति अवरुद्ध हो गई, विमान नीचे आ पड़ा। आश्चर्य हुआ चित्ररथ को कि अरे मेरे रथ की गति कैसे अवरुद्ध हो गई। सूर्य नारायण के रथ के आगे आगे स्तुति करने वाले परम तेजस्वी बालखिल ऋषियों ने बताया कि यहाँ एक ऋषि की अस्थि पड़ी है, जिन्हें नारायण कवच का ज्ञान था, और उस अस्थियों का तुम अतिक्रमण करके जा रहे हो, इसलिए तुम्हारे विमान की गति अवरुद्ध हो गई। उत्तरो विमान से उन अस्थियों को प्रणाम करो और सरस्वती नदी में प्रवाहित करके स्नान करो, विमान पर बैठो, तब तुम्हारे विमान में गति आएगी। सबाल खिल्य वचनाद अस्थिन्यादाय विस्मित प्रास्य प्राची सरस्वत्याम स्नात्वा धाम स्वमन्वगात। ऐसी ये नारायण कवच नाम की विद्या विश्वरूप ने इंद्र को बताई। ये अष्टाक्षर नारायण मंत्र के द्वारा अंग अंग में अक्षर अक्षर का न्यास करके रक्षा की प्रार्थना की गई है। इसमें ओम हरिर्विदध्यान ममर सर्व रक्षाम न्यस्तांग पद्म पथकेन्द्र पृष्ठे दरारी चरमा सिगदेश चाप पाषाण दधानोष्ठमोष्ट बाहु इत्यादि बहुत से श्लोक, जैसे श्री राम रक्षा स्तोत्र है, उसकी बड़ी महिमा है, ऐसे ही है नारायण कवच की बड़ी महिमा। विश्वरूप के द्वारा ये नारायण कवच का उपदेश पा करके इंद्र बड़े तेजस्वी लगने लग गए। इंद्र ने विश्वरूप के सहारे अपना यज्ञ कर्मकांड कराया। विश्वरूप से एक गलती हो गई, ये देवताओं के नाम की आहुति दिलाते सूत्र दिलाते ही मातुल कुल की ममता में पड़ करके इन्होंने कुछ असुरों के नाम की भी चुपके चुपके आहुति दिलानी प्रारंभ कर दी। इंद्र को अंदाज पड़ गया और इंद्र ने तुरंत क्रोध करके इनका गला काट दिया। इंद्र का एक नाम है सद्य मन्यु, मैंने बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता है इंद्र को। विश्वरूप के मस्तक काट डाले, तीन मस्तक थे विश्वरूप के, तीनों मस्तक धरती पर पड़ते ही उनसे पपीहा गोरैया और तीतर नाम के तीन प्रकार के पक्षी प्रकट हुए। इंद्र पर ब्रह्महत्या का आक्रमण हुआ, ब्रह्महत्या के चार भाग करके और चार जगह वितरण किया गया, तब इंद्र की ब्रह्महत्या दूर हुई। वो चार जगह है, एक चौथाई भाग स्त्री समाज को दिया गया, जिससे ये प्रति महीने रजस्वला धर्म को प्राप्त होती है, मासिक धर्म जिसको कहते हैं। इनने कहा कि ये तो हमारा नुकसान हुआ, इससे हमको लाभ क्या होगा। कहा कि रजो धर्म दर्शन के पश्चात का जो समय होगा वह तुम्हारा ऋतु काल कहा जाएगा, जब पति के समागम से तुम संतान धारण करके संतान उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त करोगे। दूसरा चौथाई भाग जल को दिया गया, जिससे जल पर झाग फेन बहता है, ये ब्रह्मत्या का अंश, इसका निवारण करके जल ग्रहण करना चाहिए। जल ने कहा कि तो हमारा नुकसान हुआ, हमको लाभ क्या होगा।
बताया गया कि जिसके साथ मिल जाओगे उसी के समान तुम्हारा औषधि में औषधि के साथ, रस में रस के साथ, दूध में दूध की तरह उसी तरह तुम्हारा आदर होगा। जिसके साथ मिल जाओगे तुम्हारा सबके साथ मिलने का अधिकार होगा। तीसरा चौथाई भाग वृक्षों को दिया गया, जिससे गोंद निकलती है वृक्षों में। ये ब्रह्महत्या का अंश है, इसलिए जो लोग इस रस को जानते हैं वे गोंद से चिपकाने का काम भले ले लें, खाने वाला काम नहीं लेते हैं। कोई कोई जाड़े के दिनों में गोंद का लड्डू बना करके पौष्टिक समझ करके ग्रहण करते हैं। जो इस ब्रह्महत्या वाले प्रसंग को जानते हैं वे गोंद और गोंद का लड्डू नहीं खाते। चतुर्थ चौथाई भाग वृक्षों को श्री हरे नमः पृथ्वी को दिया गया, जिससे पृथ्वी में रेखार सज्जी निकलती है। पृथ्वी ने कहा तो हमारा नुकसान हुआ, इससे हमको लाभ क्या होगा। कहा कि जहां से खोदी जाओगी कालांतर में तुम भर के ज्यो की त्यों हो जाएगी। वृक्षों ने पूछा हमें क्या लाभ होगा, वृक्षों से कहा गया कि जहां से काटे जाओगे वहीं से फिर पनप जाओगे। इस प्रकार से इंद्र की ब्रह्महत्या का चार भाग करके और इंद्र की ब्रह्महत्या का दूरीकरण किया गया। इसके बाद विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने अपने पुत्र के वध का बदला लेने के लिए इंद्र से इन्होंने दक्षिणाग्नि में अविचार हवन प्रयोग करके और चाहा कि इंद्र को मारने वाला शत्रु प्रकट कर ले। इंद्र शत्रु विवर्धस्व मा चिरम जहि विद्विषम। कर्मकांड में स्वर्तोपराधात और वर्णतोपराधात। वर्णतः अगर शब्द दूषित हो जाए, स्वरत शब्द दूषित हो जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। ह्रस्व का दीर्घ दीर्घ का प्लुत, दंत का तालव तालव का मूर्धन्य उच्चारण हो जाए तो अर्थ में अंतर पड़ जाता है और लेने के देने पड़ जाते हैं। कर्मन की गति अद्भुत भाई, पुण्य कर्त पातक हो जाए। तो शत्रु तो प्रकट हुआ अग्नि कुंड से, लेकिन इंद्र को मारने वाला प्रकट होने के बजाय इंद्र ही जिसका शत्रु है, इंद्र के हाथ से मरने वाला शत्रु प्रकट हुआ। उनका नाम हुआ वृत्रासुर। वृत्रासुर का बड़ा विशाल विकराल शरीर था। वृत्रासुर ने असुरों की सेना इकट्ठी करके और इंद्र पर आक्रमण किया और देवता लोग त्रस्त होकर के भागे भागे फिरने लग गए। ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने डांटा और कहा कि तुम लोग बार बार गलती भी करते हो और त्राय त्राय करते हुए आते हो। एक बार तो गुरु का अपमान कर दिया, फिर आचार्य रूप में वर्ण किया विश्वरूप को, तो उसका वध कर डाला। जाओ भगवान से प्रार्थना करो। भगवान से स्तुति प्रार्थना की गई। भगवान ने कहा कि अब तो वृत्र का वध तब होगा जब दधीची ऋषि अपनी अस्थि प्रदान करें और उस अस्थि से वज्र का निर्माण हो। देवताओं ने दधीची ऋषि से अस्थि की याचना की। दधीची ऋषि ने कहा कि देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, किसी जीवित व्यक्ति से कहते हो अपनी हड्डी दे दो और परोपकार का पाठ पढ़ा रहे हो। तुमसे कहा जाए कि थोड़ा उपकार के लिए अपना एक केस उखाड़ करके दे दो तो अपनी चुटिया का एक केस उखाड़ के तुम देने वाले नहीं हो और हमको उपकार का पाठ पढ़ाते हो, लेकिन हम देंगे अपनी अस्थि देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर अमर होकर नहीं आया है। आज इस नश्वर शरीर से किसी का भला हो जाए तो परहित लाग तजे जो दे ही संतत संत प्रसन्न सहिते ही। दधीची ऋषि ने अपनी अस्थि प्रदान की जिससे वज्र का निर्माण हुआ। उस वज्र को लेकर के इंद्र की बड़ी शोभा हुई, बड़ा तेज आया इनमें। सुना जाता है कि उसी समय उसी अस्थि से ही भगवान शिव का पिनाक एवं भगवान नारायण का शारंग धनुष भी प्रकट हुआ है, तैयार हुआ है। वज्र को लेकर के इंद्र असुरों के सामने युद्ध करने के लिए आए। वज्र की चोट खा करके असुर लोग बहुत लोग मारे गए, बहुत भागने लग गए। तो वृत्रासुर ने उनको पुकार पुकार कर कहा, हे विप्रचित्ते नमुचे पुलोमन मया नरवन संबर में श्रोध्वम जातस स्मृत्यु ध्रुव ए सर्वतः प्रतिक्रिया सनचेत वृत्ता। जो जन्म लेकर आया है उसे मरना तो है ही, अमर होकर के आए हो, भाग करके तुम लोग अमर हो जाओगे, ये क्यों भागने का कलंक ले रहे हो, और हो सकता है तुम्हारी ही विजय हो।
इस बात को सुन करके और वे असुर लोग पुनः लौट करके आए और युद्ध हुआ। उस युद्ध के बीच में एक बार वृत्रासुर को ऐसा लगा कि भगवान सामने खड़े हैं आकाश में और उनसे ये प्रार्थना करने लग गए, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मना स्मरेतास पतिर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करो तुकाय। हे हरे, अब अगले जन्म में कहीं मुझे जन्म देना तो अपने दासानुदास के रूप में किसी भक्त परिवार में मुझे जन्म देना, जिससे कि वाणी आपके गुणों का गान करे, कानों से आपकी कथा का श्रवण करे, हाथों से आपकी सेवा करे और मस्तक से आपके लिए नमन करे। और हे प्रभु, ये जो मैं मांग रहा हूँ ये कोई लोह लालच से नहीं मांग रहा हूँ कि हमें सार्वभौम सम्राट का पद मिल जाए, कि योगिक रिद्धि सिद्धि मिल जाए, या देवराज का स्वर्ग मिल जाए, या ब्रह्मा का परमेष्ठी पद मिल जाए। ये सब लालच मेरे हृदय में बिल्कुल नहीं, ये सब मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौम नरसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भौम वासवंज सत्वादि रही आकांक्षे, आपके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं तो केवल आपको चाहता हूँ प्रभु, और आपको भी चाहता हूँ। तो कैसे चाहता हूँ, तीन उदाहरण दिए। अजात पक्षा मातरम खगा स्तन्यम यथावत्सतरा क्षुधार्त प्रियम प्रियवाभ्युषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वम। हे अरविंदाक्ष अर्थात हे कमल ने मैं मना त्वाम दिदृक्षते, मेरा मन आपको देखने के लिए तड़प रहा है। कैसे, जैसे वह पक्षी का बच्चा जिसका पंख अभी उड़ने लायक नहीं हुआ है, भूख लगती है तो उसकी माँ चिड़िया जो है वो बाहर से चारा लाती है, अपने चोंच में उसके मुंह में डाल जाती है। एक बार डाल गई, इतने में तो पेट भरा नहीं, छोटे से दाने से कहाँ तक पेट भरेगा। दोबारा जब वो चिड़िया जाती है चारा लाने के लिए, तो तब तक वह पक्षी का अजात पक्ष शावक बिना पंख वाला बच्चा घोंसला से बाहर मुंह निकालकर चू चू करता हुआ चारों तरफ ताकता है कि मेरी मैया किधर से आ रही है। इसी तरह से मेरा मन प्रभु आपको देखने के लिए तड़प रहा है। दूसरा उदाहरण दिया, दूध मुहा बछड़ा किसी गैया का जो अभी घास खाना नहीं सीखा है, केवल अपनी गैया मैया के थन का दूध पी करके ही रहता है, वो बछड़ा एक कोने में खूंटे में बंधा है, गैया चर के आ गई है, वो दूसरे कोने में बंधी है। तो तब तक बछड़ा चाहता है कि रस्सी खूंटा तोड़कर गैया के पास पहुंच जाए, नहीं तोड़ पाता है, नहीं जा पाता है, तो अपनी दृष्टि लगाए रहता है कहां गैया की ओर, गैया के सिंह की ओर, पूंछ की ओर नहीं, मुंह की ओर नहीं, उसके थन की ओर, क्योंकि वही उसके मतलब की खुराक दूध रखा हुआ है। इसी तरह से प्रभु मेरा मन आपको देखने के लिए तड़प रहा है। इन दो उदाहरणों में संत जन दोष बताते हैं, क्या बिना पंख वाला बच्चा और दूध मुहा बछड़ा ये तभी तक अपनी मैया को मैया समझता है और उसके लिए तड़पता है जब तक ये भागने दौड़ने लायक नहीं हो गया, उसके बाद पहचानेगा भी नहीं कि यही मेरी मैया है। तीसरा उदाहरण जो दिया है बड़ा प्यारा उदाहरण है, प्रियम प्रियव व्यूषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। जैसे किसी प्रदेश में गए हुए पति को जो ये कह के गए थे कि परसों आ जाऊंगा और उनको 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो उसकी प्रियतमा पतिप्राणा पतिपरायणा पतिव्रता पत्नी जैसे उनमें मन प्राण लगाए हुए 3 दिन की कहके गए थे, 7 दिन हो गए, क्यों नहीं आए, क्या हो गया, अरे वे नहीं आए तो कम से कम उनकी चिट्ठी तो आती, मार्ग में पलक पावड़े डालकर प्रतीक्षा करती रहती है, सोती भी है तो चौकन्नी होकर के कहीं कुत्ते बिल्ली के दौड़ने से गिरे पड़े सूखे पत्ते खड़खड़ाते हैं तो चौंक के उठती है, वे आ तो नहीं गए, पतति पतत्रे
विचलित पत्रे शंकित भव दुपयानम रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम। हे प्रभु, इसी तरह से मेरा मन आपको देखने के लिए तड़प रहा है। गोस्वामी जी ने दो और उदाहरण दिए हैं, कामी नारी प्यारी जिमि लोभे प्रिय जिमि धाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ये दो चार श्लोक यद्यपि एक असुर के मुख से निकले हुए हैं, लेकिन इतने भावपूर्ण हैं कि इंद्र तो सुनते ही न्योछावर हो गए, अपना बैर भाव भूल करके। और इंद्र उस वृत्रासुर की बड़ाई करने लग गए, अहो दानव सिद्धोसि यस्यते मतिरिदृशि भक्त सर्वात्मनात्मानं सृजतं जगदीश्वरं भवान तारसिन मायां वै वैष्णवीं जनमोहिनीं यद्विहाय असुरं भावं महापुरुषतां गतः। हे दानवराज, तुम तो कोई सिद्ध पुरुष मालूम होते हो। कैसे? कहा कि पूजा घर में, सत्संग भवन में, मेडिटेशन हॉल में तो सब लोग भगवान में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में जहां जान का खतरा है, वहां इस तरह से भगवान से तुम बात कर रहे हो, इतनी दृढ़ता पूर्वक तुम्हारी मति प्रभु में लगी हुई है, इसी से लगता है कि तुम तो कोई महापुरुष हो, सिद्ध पुरुष हो और दुनिया के प्रापंचिक द्वंद से बहुत ऊपर उठे हुए हो। अपने ऊपर ग्लानी हुई इंद्र को कि हम देवराज कहलाते हैं, जो सत्वगुण प्रधान कहलाते हैं देव और देवराज, लेकिन हम में इतनी दृढ़ता पूर्वक भगवान को याद करने की भावना नहीं हो पाई, और तुम आसुरी शरीर में आकर के भी युद्ध के मैदान में भगवान की इतनी दृढ़ता पूर्वक याद कर रहे हो। अर्जुन को भगवान स्वयं आदेश कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मा मनुस्मर युद्ध च, इतना पर भी भगवान जाने अर्जुन कितना युद्ध कर पाए और कितना स्मरण कर पाए। लेकिन इस असुर को कौन उपदेश दे रहा है जो युद्ध के मैदान में भगवान की याद कर रहे हैं? ऐसे ऐसे असुरों के इन भावों के ऊपर गोस्वामी जी ने उछावर है। कहते हैं, रघुपति चरण उपासक जेते सुर खग मृग सुर नर असुर समेते। असुरों की भी बंदों पद सरोज सब कह रहे। देखिए, कुंभकर्ण राक्षस कहलाता है, लेकिन जब लड़ने के लिए गया, जब युद्ध स्थल की ओर गया, रावण ने कहा सेना ले लो, तो कुंभकर्ण बोला कि लड़ने जाता तो सेना लेकर जाता, तो लड़ने नहीं जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो? बोला कि अब भर अंक भेट मोहि भाई लोचन सुफल करो मैं जाई। प्रभु श्री राम का दर्शन करके मैं अपने लोचनों को सफल करने जा रहा हूँ। मारीच को जब रावण ने कहा कि जाता है कि नहीं, नहीं जाएगा तो मैं मार डालूंगा, मारीच ने सोचा कि नहीं जाता हूँ तो ये मारेगा और जाता हूँ तो राम जी मारेंगे, तो राम जी के हाथ से मरना ज्यादा अच्छा है। निज परम प्रीतम देख लोचन सफल करी सुख पाई, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई। मम पाथे धर धावत धरे सरासन मान, फिर प्रभु ही बिलो की हो धन्य न मोहि सम आन। तो भगवान के प्रति इतना भाव होना भक्ति का ये कोई पुरातन संस्कार रहा होगा। आइए, फिर लड़ाई छिड़ी। देवराज इंद्र ने वृत्र के उस हाथ को काट दिया जिस हाथ में परी लेकर इंद्र को मारने जा रहे थे, दूसरे हाथ में अस्त्र लेकर मारने दौड़े वृत्र, तो इंद्र ने दूसरा हाथ भी काट दिया। बिना हाथ का बेचारा अब कैसे लड़ेगा? असुरों ने सोचा हमारा पक्ष कमजोर हो गया। तब तक वृत्र ने दौड़ करके कमाल दिखाया, बहुत भारी मुंह खोल करके अपना हाथी समेत इंद्र को अपने भीतर ले गया। अंदाज करिए कितना बड़ा शरीर था, मुंह खोल करके हाथी समेत इंद्र को अपने पेट में ले गया। लेकिन उधर में जाकर के भी इंद्र मरे नहीं, अपने वज्र के द्वारा
उसकी अतड़ियों को काटते हुए और बाहर आए और बाहर आकर के उसके मस्तक को काटा। भित्वा वज्रेण तत्कुक्षिम निष्क्रम्य बलभित विभु उच्चकृत शिरक शत्रु गिर श्रृंग में उजसा। बस वृत्र का मस्तक कट के धरती पर गिरा, लगता था जैसे वज्र की चोट खा करके कोई पर्वत का शिखर टूट करके गिरा है। वृत्रासुर के शरीर से निकली हुई आत्मज्योति वृत्रस्य देहा निष्क्रांतम आत्मज्योति रणिंदम पश्यताम सर्वदेवानाम अलोकम समपद्यत। वृत्र की आत्मज्योति सबके देखते देखते और दिव्य भगवत धाम को चली गई। अलोकम समपद्यता मैंने ऐसे भगवत धाम में गई जहाँ से फिर लोक लोकांतर में भटकना नहीं पड़ता है। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, जय जयकार करी। बोलो श्री पतित पावन भगवान की जय, श्री भद्रवत्सल भगवान की जय। इंद्र भले सोचे कि मेरी जीत हो गई, लेकिन इंद्र अभी तक इस त्रिलोकी के छिल्लर में पड़े हुए हैं और वृत्रासुर भगवान के धाम में भगवान की गोद में जाकर के विराजे। इंद्र पर पुनः ब्रह्महत्या का आक्रमण हुआ और ऋषियों ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा उसका निवारण किया। आगे के अध्याय में श्री परीक्षित जी YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।